अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मेरे इस तरफ जो है सूरज है, सूरज ग़रूब हो रहा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं, हरियाली भी है और ये हिल पार्क कहलाया जाता है। वीडियो बनाने का मकसद ये बताएं कि नवाज़ शरीफ ने एटम बम दिया था, उसकी एक डमी जो है यहाँ पर इन्होंने लगाई थी ज़बरदस्त किस्म की, और इस वक्त आप देख सकते हैं आते जाते लोग गुजर रहे होते हैं, पर इसकी कदर नहीं है इस डमी की, क्योंकि ये डमी है, क्योंकि इसके अंदर वो मवाद नहीं पाया जाता जो दुश्मन को जाके ख़त्म कर सके। इसी हवाले से जब कोई इंसान है उसके अंदर कोई खासूसियत नहीं होती, खूबी नहीं होती, तो उसका भी इस मुआशरे में रहना फजूल है। तो आप भी इसी तरह की एक डमी है, ना आपसे कोई डरेगा ना आपसे कोई मुतासर होगा। तो इंसान को जो है अच्छा बेहतर होना चाहिए, और क्योंकि जब अब हम रमज़ान शरीफ में राह से गुजरते हैं तो लोग लड़ रहे होते हैं, वजह पूछो तो कहते हैं रोज़ा लग गया तो ये लग गया है। बहुत बड़ा इंसानियत का नुकसान हम लोग कर रहे होते हैं कि जब हम कोई हादसे से बच जाते हैं तो फिर हाथापाई करने पे तुलते हैं और एक दूसरे को मज़ीद ज़ख्मी करना चाहते हैं। यानी कि अल्लाह ने आपको एक हादसे से बचाया, यानी कि गाड़ी आपकी टक्कर नहीं खाया, हादसा नहीं आया, फिर आप कहते हैं चले मैं बच तो गया, फिर हाथापाई करने के बाद आप फिर ज़ख्मी होने का सोच रहे होते हैं। ये भी एक कॉमन सेंस है, अगर सोचा जाए तो मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आपके उम्मीद करता हूँ रोज़े भी बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी।